कुछ दिन पहले आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था, हाँ निषिद्ध घोषित कर दिया था, और उसके बाद मानो सोशल मीडिया में हलचल मच गया था। हाँ, और इससे चलते हुए श्रीलंका क्रिकेट टीम का जो पाकिस्तान क्रिकेटर कप्तान अर्जुन रणतुंग साहेब, उन्होंने जो 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था श्रीलंका को, उन्होंने एक बात कह दिया था सोशल मीडिया में कि जय साहब, मतलब जय साहब इंडिया से श्रीलंकन क्रिकेट टीम को चला रहा है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हस्तक्षेप करता है, और श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जो ये बुरी हालत है वो जय साहब के लिए, मैंने ऐसा अनाप शनाप बात कह दिया था। उनका क्या है, उन्होंने बस सिर्फ बात कह दिया, लेकिन इस बात कहने के बाद पूरी मतलब पूरी सोशल मीडिया में हलचल मच गया था। हाँ ठीक ही कह रहे हो, सोशल मीडिया में बहुत हंगामा हो रहा था, हलचल मच गया था, और ये बात हजम नहीं हुआ इंडियन मीडिया, इंडियन जो स्पॉन्सरशिप, सोशल मीडिया, इंडियन जो फैंस सबको, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट टीम जो इंडिया की धारा निर्भरशील है। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, इंडियन स्पॉन्सरशिप, इंडियन मीडिया, सब कुछ, सब लोग श्रीलंका क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता है। हाँ, श्रीलंका क्रिकेट चलता भी है इंडियन स्पॉन्सरशिप के द्वारा। अगर आप इंडिया के बारे में, अब इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई के बारे में ऐसा अनाप शनाप बात कहोगे, तो इंडियन जो स्पॉन्सरशिप, इंडियन जो व्यूअर, इंडियन जो मीडिया, वो तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। और हुआ भी सही है, एक बवाल मच गया था, लेकिन इंडिया में अभी तक विश्व कप चल रहा है, तो इस बारे में बीसीसीआई और जय शाह ने कुछ भी बात नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, गवर्न पार्लियामेंट में, श्रीलंकन पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा हुआ, और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की तरह द्वारा एक बात किया जाया गया है कि अर्जुन रणतुंग ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन रणतुंग ने तो अनाप शनाप बात कह दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है इसके लिए डाउनफॉल हुआ है, और गवर्नमेंट श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हस्तक्षेप किया है, ये बात सच है श्रीलंकन की गवर्नमेंट, लेकिन बीसीसीआई कुछ नहीं किया है। तो बीसीसीआई और जॉय साहो जो एसीसीआई एसएससी चेयरमैन है, तो इनके बारे में जो अर्जुन रणतुंग साहेब ने बात किया ये गलत है, ऐसा बात करना नहीं चाहिए था, क्योंकि बीसीसीआई, जॉय साहो और इंडिया, भारतीय जो मीडिया, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर सबने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को बहुत हेल्प किया है, हेल्प कर रहा है, आगे भी करेंगे, और श्रीलंकन क्रिकेट टीम या श्रीलंकन गवर्नमेंट जानता है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर जो बैन प्रतिबंध लगाया गया है वो सिर्फ इंडिया ही उनको बचा सकेंगे। हाँ, इंडिया ही अगर ट्राई करेंगे तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर से बैन हटेगा, लेकिन अभी इस टाइम ऐसा अनाप शनाप बात कहेंगे तो अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड, उनके क्रिकेट बोर्ड से मुख फेर लिया तो उनका कहीं करना ही रहेंगे। तो इसीलिए श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने माफी मांगा है, और श्रीलंकन जो गवर्नमेंट, उन्होंने भी जॉय साहब के पास माफी मांगा है कि ऐसा कोई नहीं है, ये लोग कुछ भी कह देता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, प्लीज आप नाराज मत होइए, क्योंकि हर एक देश चाहता है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मतलब खराब व्यवहार ना करने के लिए, क्योंकि जानता है इसका परिणाम क्या होता है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम किसी देश के ऊपर से अगर मुख फिरा लेंगे ना, तो उस क्रिकेट टीम नहीं चलेंगे, वो बचेगा नहीं, वो क्रिकेट टीम मानो वो खत्म हो जाएगा, ऐसा ही हुआ है। और श्रीलंका क्रिकेट टीम बराबर इंडिया के ऊपर निर्भरशील है, इंडिया श्रीलंका को बहुत सपोर्ट करता है, इंडियन फैंस भी श्रीलंका क्रिकेट टीम को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि एशिया में जो चार पांच मुल्क हैं जो अच्छे क्रिकेट खेलता है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये पांचों को सिर्फ पाकिस्तान के अलावा इंडियन फैन सपोर्ट करता है, हर एक कंट्री को, हर एक मतलब मुल्क को पाकिस्तान इंडियन फैन सपोर्ट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हालत है अभी, तो वो तो अंदाज आ ही गया है, इतना दिन क्रिकेट नहीं चलाया हुआ उधर, अभी हर एक टीम जाना शुरू कर दिया, और चैंपियंस ट्रॉफी भी आएगी, खेला जाएगा आगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन देखा जाएगा क्या अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। और ये एशिया कप श्रीलंका में खेला गया है, ये इंडिया के लिए ही खेला गया है, हाँ इंडिया अगर नहीं जाता तो ये नहीं खेला जाता। तो श्रीलंका जो क्रिकेटर है, पाकिस्तान क्रिकेटर बोलो या अभी का जो क्रिकेटर है, इनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इनको थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट टीम को, हाँ इंडियन टीम को, बीसीसीआई को, इंडिया को रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। आप अनाप शनाप बकोगे तो आपका खुद का देश का ही बेइज्जती होगी, आपका खुद देश ही भोगेगी, क्योंकि जब श्रीलंका देउलिया हो गया था ना, तब इंडियन गवर्नमेंट ही श्रीलंका को बहुत कुछ सपोर्ट किया था, बहुत सपोर्ट कर रहा है, आगे भी करेंगे, लेकिन आपका जो कप्तान, आपका देश का लोग अगर अनाप शनाप बकेंगे तब तो इंडिया मुख फिरा लेंगे, और अगर इंडिया मुख फिरा लेंगे तो उनका लिए काला दिन होगा।